नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, जो बात मैं आज आपको पेड़ पौधों की, इन वनस्पति शास्त्र की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपको कोई और नहीं बताया। दोस्तों, जितने भी जानकारी टीवी के माध्यम से बताई जाती है, वह जानकारी पहले सच्चाई उसकी सच में जानी जाती है, या फिर उसे प्रमाणित रूप से जिस किसी पर उसका उपाय किया जाता है, तभी आप पर हम यह जानकारी और दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। चलिए जानते हैं, देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मदंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सीढ़ियां को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही छुट्टियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ध्यान आपको कर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से एक ऐसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने, मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत ही जरूरी होती है पेड़ पौधे के बारे में, जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिस भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भड़काने की जरूरत नहीं होती, घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है, सही तरीके से बस उसे उपाय को जानने की जरूरत है। क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है। दोस्तों, आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताया दोस्तों फ्री में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और पेड़ पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियां का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो देवी शक्तियां पाई जाती है, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर की जो खुद के गुण है, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढ लेंगे, डांडिया कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, और यह एक अमेरिकन पौधा है, और दिखाने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदी, नदियों में पता हो पाया जाता होगा, नदियों के किनारे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी, ठीक है। यदि इसकी कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी फूल होते हैं ना, फूल के भी, पेट के भी, बी के भी, जड़ के भी, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर ले,
अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे माँ के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया या फिर नया साल हो गया, क्या बोलते हैं कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना ध्यान से? ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है जैसे ग्रहण लगा हो उसे दिन करना तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देखें, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाएगा, नंगे पैर आप जाइए और अपने घर पर रखे रहिए, लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो, ताकि यह पवित्र हो जाए, इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना, उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान करना है पंचामृत से। स्नान करने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठाकर के जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उसे जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ाना शुरू हो जाएगा, किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा, जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे दिखाने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार जो कि जो इसके फूल होते हैं देखो कितना सुनहरा होता है, तो बस उसे कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला काला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और ये भी फूल जो हमारा दिख रहा है सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को, अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे और कचरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी।
इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके। ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उसे काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। करना कैसे? आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना, और जिस भी काम को करने जाते हैं उसे काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपका फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें देवी शक्तियां तो हैं, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उसे गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है, और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही घर पटवार समझकर कैसे यूं ही उखड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी तक ये जान भर तक जानकारी फ्री में उपलब्ध हो। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है, कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको, मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्क्रीन पर लोग एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है, ठीक है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल के क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए, यकीन मानिए जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जो है यदि कुछ ना करें तो यह सत्यानाशी का पौधा को जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहां पर मालिश करते हैं तो भी वह काम करता ही करता है, लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दम हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सूख लीजिए, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, इसके जड़ को सूख करके, पीस करके, ग्राइंडर में पाउडर बना ली, रोज सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके छोड़ को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपका जो साथ संबंधी समस्याएं चल रहा है, जो दम यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय जो पीलिया रोग में काम करता है। ठीक है, तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, दिलों का रस लेना है आपको, ठीक है, किलो का रस, और इसका जड़, ठीक है, किलो का रस में क्या करना है, इसकी जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है। ठीक है, बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही, बस सुबह, अगर शाम पी लेते तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपकी पीढ़ियां रोग जो यूं ही खत्म हो जाएगा ना, समझे, अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय के गिलोय और इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए, कैसा भी क्लियर होगा, तुरंत तत्काल जो है 1 से 2 टाइम, अभी 2 टाइम ही देंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब
मूत्र बकर करने में ना बहुत सारे दिक्कत होते हैं। दोस्तों आपको बता दी, महायोग टीवी चैनल आपको बहुत विशेष जानकारी देता है। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता है, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मुक्त बकर में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, क्या करना है? ठीक है, मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए। तो आप जो इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक है, 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दावा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो, अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के, कुछ एक्सटर्नल, यदि शरीर पर दाग धब्बे तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके इसका बीज का तेल अगर आप आ जाते हैं को अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो पुरानी ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी, जिससे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए, एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय। ठीक है, इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो जड़ी बूटियां होते हैं, एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराशा रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ऐन तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ध्यान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसे जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अपने अब तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, और हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों महायोग टीवी के माध्यम से चलिए जान लेते हैं। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि आप जो मदार का पौधा है जी, इसका एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना है, तभी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में यह जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदर है। सफेद कलर की मदर बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदर को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठी है। दोस्तों मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह उपाय को आप 1 जनवरी को जरूर करना, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी, आपके गरीबी परेशानी तकलीफ एवं समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है। तो ली इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं प्रयोग को। दोस्तों यह वीडियो छोड़ करके मत जाना,
यह अमूल्य जानकारी आगे के जीवन की हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यह कीमती जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मक का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपकी प्रेम बढ़ता है। सफेद चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में एकत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अति शीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन ले और उसे घर की अपनी तिज गंगा जल के पानी में धोकर के लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें तो दोस्तों आपका धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसती है। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बढ़ने से 2.5 साल पर माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को, श्री गणेश जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिक के महाराज का स्वरूप कहा जाता है। दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहां पर सफेद मदार का पौधा होता है वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे यह पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीरेन इलाके में हो, तो वहां पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के ताने पर हरी चूड़ी बढ़ने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिक के महाराज जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि जान जन तक फ्री में यह जानकारी पहुंचे और हमारे हर एक हिंदू भाई तक यह जानकारी पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें। मैं भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आस्क में गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डाल करके पहनने से तो भाग्य बल बन होता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दी, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे ही उपाय बताए जा सके जिसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्या की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके नाम के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट तकलीफ बड़ा छुटकी यों में समाप्त हो जाएंगे। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे में आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है। आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके बारे में उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता, किसी के नहीं चलती, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहां यह पौधा लगा होता है वहां का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाए तो रूठे लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। घर में धन का आपात बढ़ जाता है।
घर में अतिरिक्त खर्च होना बंद हो जाते हैं। दोस्तियों, समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। ये प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। एवं मैं आपको धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को एक गिलास पानी में डालकर उबाली और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आदि का रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि आने को ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मायाबन होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नियम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नाम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नियम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कल है समाप्त होते हैं। घर में अगर दोष हो वह समाप्त होता है राहु और केतु, यह दोनों नीच ग्रह दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वस्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नियम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी और इस प्रकार के दूध को नियम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन तीन बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नियम के जड़ पर दूध डाल पे करना होता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगता, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनिया या फिर बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक मानव दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलते हैं और ओम धूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जागते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वह कार्य शीघ्र पुण्य कर देते हैं। या फिर माता नव दुर्गा है, उनके सामने में अगर नियम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना बोले और ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उसे मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, नींद की पट्टी का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नियम की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पट्टी का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भगती है और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरी शक्ति वास करती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआ जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीवी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती जो व्यक्ति अपने घर में नियम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में। वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा नियम की पट्टी का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। यह दरिद्रता को घर से भागता है, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं। और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपका जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उसे बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नियम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा वास करती है। नियम का छिड़काव भी घर के मेन दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नियम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना महादेव ओम नमः शिवा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था
कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा। चुप मदार का पौधा होता है, इसका एक धार्मिक एवं चमत्कारिक उपाय भी है, जिससे आप कुछ दिनों में ही देख लेना, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपकी जो जंगली इलाका होता है, या फिर आप किसी गांव से हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो गांव में बड़े ही आसानी से यह मदार का पौधा या जड़ी बूटी, आप इसे जो कुछ भी कह सकते हैं, वह बड़े आसानी से वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको तोड़कर लाना है। तोड़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमें किसी भी वृक्ष को ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, तो तोड़ने से पहले आपको जय श्री कृष्ण अवश्य कहना है, इसके बाद इसे तोड़ लेना है, और ऐसा आपको इसको तोड़ने के बाद आपको एक अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मंदिर में रखने की बात, इस जहां गणेश जी एवं मां लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां पर ले जाइए। वहां पर ले जाने के बाद उन्हें समर्पित कर देना है, यानी कि उन्हें चढ़ा देना है। चढ़ाने का मतलब यह है कि आप इसे पहले अपने मंदिर में रखेंगे, यानी कि अपने घर के मंदिर में रखेंगे, उसके बाद इसे आप मां लक्ष्मी एवं गणेश जी के मंदिर में रखेंगे। दोस्तों, यह उपाय को लगातार आप 7 दिन तक करना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो, तो आप जैसे ही, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करना है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो मदार का पौधा होता है, यह अगर 11 या फिर 12 साल पुराना हो, तो आपको यह तो झांती होगा कि यह भगवान गणेश की सूट जो होती है, उसकी आकृति ले लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह से यह उसी तरह से आकृति ले लेता है, क्योंकि यह भगवान गणेश का एक विशेष पौधा है, और भगवान गणेश पर अगर इसका कोई यह उपाय करता है, जो आपको उपाय हमने बताया है, वह उपाय करता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है, मान लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान गणेश उसे पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा कि भगवान गणेश एवं मान लक्ष्मी दोनों के ज्यादातर अपने साथ में ही फोटो या फिर जो तस्वीर होती है, वह देखी होगी। तो दोस्तों, आप यह उपाय को